जिना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। अब देखिए सर्दियाँ आ गई है, सर्दियों में पराठा ना खाया जाए तो भी अच्छा नहीं लगता है, और पराठे भी अगर मेथी के ना हो तो देखिए सर्दियाँ कैसे निकलती। मेथी सर्दियों में बहुत आती है, और जितनी हरी मेथी खाई जाती है उतनी ही क्या होते हैं, हम बीमारियों से दूर रहते हैं। और महिलाओं के लिए तो देखिए मेथी खाना बहुत ही अच्छा है, चाहे वो मेथी दाना खाए चाहे हरी मेथी खाए, आप कच्ची भी खा सकते हैं। आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे। तो सबसे पहले मैंने मेथी को बड़े अच्छे से धो लिया था, और धोने के बाद इसको साफ भी कर लिया, और उसके बाद मैंने बारीक बारीक मेथी को हमें कट करेंगे। इतना बारीक कट करेंगे क्योंकि हम मेथी को अगर मिक्सी में पीस के आटे में गूंदेंगे तो कुछ कड़वापन आता है। और इस तरह मेथी को मैंने काट लिया, एक प्याज काट लिया, और 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची काट ली, क्योंकि आज संडे है ना, तो हम सोच रहे हैं कि चलो आज मोटे वाले पराठे बना के खाते हैं। तो मैंने ले लिया है अभी देखिए आटा, गेहूं का आटा लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिया चने का आटा, और 2 चम्मच डाल दिया मैंने अभी इसमें देसी घी। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर, देखिएगा इसको थोड़ा सा नमकीन बनाने के लिए अब मैंने ऐड कर दिया है नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई ज्यादा खाना पसंद करता है कम। अब कटी हुई मेथी मैंने इसी में डाल दी है, कटी हुई मेथी के साथ में डाल देती हूँ प्याज, जो एक बारीक कटा मैंने प्याज लिया है वो इसमें डाल दिया है, और साथ में हरी मिर्च जरूर डालिएगा, क्योंकि हरी मिर्च से इस पराठे में बहुत ही चटपटा सा स्वाद आता है। अब देखिए सबसे पहले इसमें पानी या लस्सी दही कुछ नहीं डालना है, इसको हाथ से आपको मिलाना है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में ऑलरेडी पानी होता है, अगर पहले ही डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। अब मैंने लिए लस्सी, क्योंकि मैं देखिए स्पेशल पराठे बनाऊंगी, एकदम से व्हाइट पराठे देखेंगे, और खा सिकते भी है और फूलते भी है, तो मैंने इसको लस्सी से इस आटे को क्या कर दिया, लगा दिया। और आटा लगाने के बाद इसको ढक के मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि जितना ही इसको रेस्ट मिलेगा ना उतना ही ये सॉफ्ट और फूले फूले पराठे बनेंगे। अब देखिए 10 मिनट हो गई है, मैंने ले लिया थोड़ा सा इसमें आटा। अब मैं बनाती हूँ लोई। लोई आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मोटे या पतले पराठे, लेकिन देखिए सर्दियों के पराठे जितने मोटे बनाए जाते हैं ना उतने ही अच्छे हैं, चाहे आप एक खा लीजिए डेढ़ खा लीजिए, लेकिन पराठे थोड़े मोटे मोटे बनाइएगा। अब देखिए मैंने एक पराठा बेल लिया है, और गैस पे रखी मैंने कढ़ाई, और आप तवे पे भी बना सकते हैं अगर आप, लेकिन मैं थोड़ा सा साफ सफाई के चक्कर में ये है कि मैं कढ़ाई में बनाती हूँ ताकि इधर उधर गंदगी ना फैले। अब देखिए कितना व्हाइट पराठा दिख रहा है, क्योंकि ये आटा मैंने लस्सी के लगाया। अब देखिए जब भी पराठा बनाए ना तो ध्यान रहे पराठे को पहले सूखे पराठे को दोनों तरफ से आप सेकिएगा, और उसके बाद आप इसके ऊपर ऑयल घी जो भी लगाते हैं वो लगाइएगा। इससे देखिए एक चीज है, मोटापा से बचते हैं। लोग बाग क्या करते हैं कि पहले ही इस पे तेल लगा देते हैं, घी लगा देते हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान भी देता है। तो पहले आप रोटी की तरह दोनों तरफ से सेक लीजिएगा, फिर अलट पलट करके आप उस पे तेल लगा लीजिएगा, घी लगा लीजिएगा। अब देखिए कितना अच्छा पराठा सिका है, और ये खाएंगे ना तो रोटी की तरह ही इसके गुण है, ना कि हम जब इसको पहले ही तेल में क्या कर लेते डिप करके सेक लेते। तो पहले सूखा सेकिए फिर दोनों तरफ से लगाइएगा। अब देखिए हमने ले लिया एक कटोरी दही की, और साथ में ले लिया पराठा, और इसके ऊपर रख लेते घी, क्योंकि संडे है ना, संडे को हम यही सेलिब्रेट करते हैं, देसी आदमियों का तो नाश्ता ही संडे का ये होता है, रात छुट्टी है, तो इसलिए हमने मोटे मोटे पराठे बना के अलग से नाश्ता करेंगे। एक और बेल लिया, इसको मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ, ये भी सिक जाएगा, नाश्ता पूरा हो जाएगा। अरे हाँ भूल गई, आप गर्जना नारी चैनल पे को सब्सक्राइब